हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि सेंट्रल टेंडेंसी है उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो समझते हैं डिस्पर्शन। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अभी हमको सबसे पहले समझना होगा कि डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक ऑब्जर्वेशन था वेरिएबल जो कि बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज ले रहा था, लाइक 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, इसका अगर आप मीन निकालते हैं तो आपका मीन आएगा टोटल 14, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। मीन आपको याद होगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो आपने इसका मीन निकाला तो मीन आया 14। ठीक है, एक मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन लेता हूँ वाई, उसका भी वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल्स की सारी वैल्यू 14 ही आ रही है, 14 14 14 एंड देन 14। सो बताइए इसका मीन क्या आएगा। सर अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो भी हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आता है, सेम 14। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस जो हैं, दोनों का जो सेंट्रल टेंडेंसी है, एक सेंट्रल टेंडेंसी मैंने उठाया दैट इज अरिथमेटिक मीन, क्या दोनों का मीन सेम आ रहा है? बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों सेम ऑब्जर्वेशंस हैं? नहीं सर, ये अलग ही तरह से दिख रहा है। 10 से स्टार्ट होता है, 18 तक जाता है, दो दो का डिफरेंस है। यहाँ तो सारा सेम है सर, बट क्या एक्स और वाई सेम है? नो, एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल सर। एक्स और वाई जो है वो इक्वल नहीं है। तो सर दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? मीन तो दोनों का बराबर आ रहा है, और आप ही ने बोला था कि एक ऑब्जर्वेशन का उसकी सेंट्रल टेंडेंसी से ही रिप्रेजेंटेशन होता है, और दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी तो बराबर आ रही है। तो बताइए फिर एक्स और वाई इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो आप बोलोगे कि सर दोनों का स्प्रेड बहुत अलग है, मतलब 10 की जो एक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज हैं वो 10 से लेके 18 तक जाती हैं, वाई की वैल्यू सिर्फ 14 में ही रहती हैं। अगर आप इनका ग्राफ भी बनाओगे तो अगर आप एक्स का ग्राफ बनाते हो, एक टेंटेटिव ग्राफ, तो आपकी वैल्यू सबसे पहले 10 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 18 है, ऐसे इंक्रीज होती जा रही है और आपका एवरेज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आप वाई का ग्राफ बनाएंगे तो सर सेम वैल्यू रहेगी, 14 14 14, और वही आपका एवरेज है। तो दोनों का एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम आ रहा है, बट सर उन दोनों का जो स्कैटरनेस है, जो फैली हुई है वैल्यूज, वो अलग अलग है। अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ में ये 14 की लाइन है, ये 14 को शो करता है, तो आपकी एक्स की ऑब्जर्वेशंस 10, 12, 16, 18 इस तरह से जा रही हैं, 10, 12, 16, 18, 14। लेकिन ये तो हुआ एक्स। वाई के केस में जब आप आते हो तो सर कॉन्स्टेंटली 10, 14, 14, 14, 14, 14 और सब 14 के बराबर ही है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं सर, स्प्रेड, स्कैटरनेस या डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब डेटा कितना फैला हुआ है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, आप खुद समझ सकते हो। देखो मैंने पहले बताया 10, 12, 14, 16, 18 पांच ऑब्जर्वेशंस हैं, पांचों सेम है क्या? नहीं सर, अलग अलग है। इनमें से डिफरेंस क्या है? अगर मैं मीन 14 लेता हूं तो पहला ऑब्जर्वेशन 14 से कितना दूर है सर, 4, दूसरा 2, ये 0, ये 2, ये 4। लेकिन इसी की जगह अगर आप सारा कुछ 14 लेते हो, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन y था, और इसका अगर आपने मीन निकाला वो भी 14 आया, तो बताइए इसमें और इसमें डेविएशन क्या है सर, 0, 0, 0। इस मीन का अपनी ऑब्जर्वेशन की हर एक वैल्यू से जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पे स्कैटरनेस क्या है, स्कैटरनेस मतलब कितना फैला हुआ है सर, इसकी स्कैटरनेस जो है वो नील है, कुछ भी नहीं है, नो स्कैटरनेस। और सर यहाँ पे स्कैटरनेस है क्या? यस सर, यहाँ स्कैटरनेस है, डेटा 10 से जाता है 18 तक, भले ही उसका एवरेज 14 हो लेकिन वो डेविएशन करता है सर। -4 डेविएशन भी होता है, +4 डेविएशन भी होता है, -2 डेविएशन भी होता है, +2 डेविएशन भी होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आपको एक डेटा का डिस्पर्शन देखना है कि डेटा कितना फैला हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अपने मीन से कितना दूर है। जैसे पहले वाले केस में वो मीन से -4, -2, +2, +4 इन दूरियों में था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्कैटरनेस है।
और यहाँ पे सर बिल्कुल भी दूर नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ स्कैटरनेस नहीं है। तो इसका मतलब जो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से जितना दूर होगा उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन उतना ज़्यादा होगा। चलिए एक बार आते हैं हम स्टडी मटेरियल में, क्या डेफिनेशन दी हुई है डिस्पर्शन की, लेट्स अंडरस्टैंड। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्पर्शन इज गिवन बाय डिस्पर्शन। टू डिस्ट्रीब्यूशन मे बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, यही हमने पढ़ा कि दो डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उनका सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो सकता है बट येट दे मे डिफर ऑन अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस, पर फिर भी वो अपनी स्कैटरनेस की वजह से अलग अलग हो सकते हैं। ओके, द फॉलोइंग फिगर शोज, ठीक है इस फिगर को हम इग्नोर करते हैं, लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द डेफिनेशन। सो डिस्पर्जन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूजअली फ्रॉम द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्पर्शन का मतलब जो वैल्यूज़ हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन की, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं 10, 12, 14, 16, 18, वो अपने अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएशन रखती है, वॉट इज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हुआ हमारा डिस्पर्शन। तो सर अलग अलग तरह से डिस्पर्शन निकाला जाता है, उनकी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हमने अलग अलग तरीके से बोला था कि मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, AM, GM, HM, देन मीडियन, देन मोड, इस तरह से डिस्पर्शन भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है और वही हम अलग अलग तरीके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट उसके पहले बेसिकली जो डिस्पर्शन है उसके दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन निकालने के चार मेथड्स हैं लेकिन चारों में दो फॉर्मूले होंगे, एक एब्सोल्यूट का, एक रिलेटिव का। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हम पहला एग्जांपल लेते हैं या पहली मेथड लेते हैं तो उससे मैं आपको समझाऊंगा। अभी अगर आपको डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले हम पहली मेथड लेते हैं, उसके दोनों फॉर्मूले पढ़ते हैं, फिर मैं वो दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आता है ये समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है रेंज। रेंज इज द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज को समझते हैं, क्या होता है रेंज। आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ क्लॉथिंग स्टोर, ठीक है, आपने मे बी शर्ट परचेस करना है। तो आप जब उस स्टोर में जाते हो और आप उसको बोलते हो कि मुझे शर्ट परचेस करना है, तो सबसे पहले आपसे ये पूछता है ना कि आपका बजट क्या है। और जब आप बजट बताते हो तो क्या आप ऐसा बोलते हो कि मुझे एग्जैक्टली 521 रुपीज़ का शर्ट लेना है, नहीं। आप क्या बताते हो, आप उनको एक रेंज बताते हो, आप उनको बोलते हो कि मैं 500 से 700 का शर्ट देख रहा हूँ, उस रेंज में मुझे बताइए। तो वो फिर उस रेंज में उनके पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो करेंगे। सो इसी से रिलेटेड है ये रेंज भी, ये रेंज भी कुछ अलग नहीं है। ये क्या बताती है आपको कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू रखता है। जैसे हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था 10, 12, 14, 16, 18, उसमें वैल्यूज की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी। सर सर रेंज निकालने के लिए कहाँ से कहाँ, मतलब हमको पहले सबसे स्मॉल और सबसे लार्जेस्ट देखना पड़ेगा। मतलब 10 से वैल्यूज चालू होकर 18 तक जाती है, सो 10 इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड 18 इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, वही हमारी रेंज कहला गई। तो सर रेंज को एक वैल्यू देना है हमें। तो अगर मैं वही एग्जाम्पल फिर से लिखता हूँ, 10, 12, 14, 16 एंड 18, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारी रेंज 10 से लेकर 18 तक जाती है, तो कितनी ऑब्जर्वेशन की रेंज होगी सर, 8, यही आपका रेंज है। तो सर रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, समझते हैं रेंज का फॉर्मूला, बहुत ही इजी। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए कितना इजी है। अच्छा तो सर रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों है। अच्छा हमारा जो दूसरा एग्जांपल था 14, 14, 14, 14 एंड 14, इसमें बताइए रेंज क्या है, लार्जेस्ट क्या है 14, स्मॉलेस्ट क्या है 14, तो रेंज क्या हुई 0। इस वाले की रेंज क्या है, सर लार्जेस्ट इज 18,
स्मॉलेस्ट इज 10, तो रेंज क्या हुई 8। क्या 8 जीरो से ज्यादा है? यस सर, इसका मतलब, और हमें ये पता था कि इसका डिस्पर्शन ज्यादा है, तो देखिए रेंज भी यही बताता है कि इसका डिस्पर्शन ज्यादा है। ठीक है, चलिए लेट्स जंप इनटू स्टडी मटेरियल कि वो क्या बोलते हैं रेंज के बारे में, पढ़ते हैं एक बार। फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रेंज में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस। दस इफ एल एंड एस आर डिनोटेड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देन वी हैव रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। ठीक है, अब मैं समझता हूँ एक और चीज। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ वेट ऑफ स्टूडेंट्स, जो हम एग्जाम्पल लेके आते थे बेसिक्स ऑफ स्टेट्स में, वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास लिया, किसी एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स का वेट हम लोगों ने मेजर किया और उन वेट्स को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमने लिखा, और उसमें से अगर हमें रेंज निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक 36 BBA स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल था, उसमें से लेता हूँ सर, उसमें मेरा लोएस्ट जो वैल्यू था वो था 44 kg और ये था मेरा मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन था 44 kg एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन था 73 kg। इसका मतलब मेरी क्लास में जो सबसे कम वेट वाला स्टूडेंट था उसका वेट था 44 और लार्जेस्ट वेट वाला जो था वो था 73। तो आप यहाँ रेंज निकाल सकते हो क्या? यस सर, रेंज हो जाएगा मेरा एल माइनस एस विच इज 73 माइनस 44। बताइए कितना आता है? 44 ये हुआ आपका 29 kg। अब देखिए ये जो रेंज आई है, आप क्या बोल सकते हो? सर मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट जो है वो 29 kg की रेंज लेता है, 44 से लेके 73 मतलब 29 kg की रेंज लेता है। चलिए ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ हाइट का, हाइट हम लेते हैं जनरली सेंटीमीटर्स में। ठीक है, उसी क्लास का मैंने हाइट भी देखा, तो मैंने देखा कि स्मॉलेस्ट स्टूडेंट जो था उसका हाइट था 150 सेंटीमीटर और जो लार्जेस्ट स्टूडेंट था, जो सबसे टॉलेस्ट था, उसका हाइट था 170 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या आप रेंज निकाल सकते हैं? हाँ सर, रेंज निकाल सकते हैं। क्या है एल माइनस एस? 170 माइनस 150 विच इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए यूनिट में आएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कंपेयर कीजिए, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम दे देता हूँ मैं x, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन था जिसका नाम था y। बताइए x एंड y दोनों में किसका डिस्पर्शन जो है वो ज्यादा है, किसका डिस्पर्शन इज हाई? बताइए सर, मुझे अगर ये पता करना है कि दोनों में से किसका डिस्पर्शन हाई है तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा दोनों का मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आपने निकाला दोनों का मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्या निकाला? 29 kg 20 सेंटीमीटर। क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि 29 kg इज मोर देन 20 सेंटीमीटर? सर ये दोनों अलग अलग यूनिट्स के हैं, ये 29 kg और ये 20 सेंटीमीटर, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो अगर आप नॉर्मली रेंज से अगर दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन जिनका कि कुछ यूनिट है उनका अगर रेंज निकालते हो तो दोनों अलग अलग यूनिट्स में आएंगे, और क्या इनका कंपेरिजन पॉसिबल है? नो सर। सो इफ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, उनका अगर आप कंपैरिजन करते हो डिस्पर्शन का, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो दोनों में किसका डिस्पर्शन ज्यादा है? नो। सो इसके लिए हम आते हैं अब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। यहां से मैंने आपको नीड बताई कि क्यों रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना पड़ा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सर प्रॉब्लम ये थी जो मैं नॉर्मल रेंज निकाल रहा था वो मेरा एब्सोल्यूट मेजर था, वो केजीज में आता था, मतलब मुझे अब कोई ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो यूनिट्स में नहीं आए, यूनिट फ्री हो। सो माय रिक्वायरमेंट इज यूनिट फ्री मेजरमेंट। सर वो यूनिट फ्री मेजरमेंट कैसे लेके आए? देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में। सो कोफिशियंट ऑफ रेंज क्या है फॉर्मूला? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ओके, इसको बोलते हैं आप कोफिशियंट ऑफ रेंज।
ठीक है। अब कोफिशियंट ऑफ रेंज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे एग्जांपल के हिसाब से। हमारा सर जब मैं वेट ले रहा था तो वेट में मेरा लार्जेस्ट था आई थिंक 70 एंड स्मॉलेस्ट था आपका 44। तो एल माइनस एस किया अपॉन एल प्लस एस कर दिया आपने इंटू 100। ओके कैलसी में कैलकुलेट कीजिए इसे। फिर आता है आपका हाइट, हाइट है आपका सबसे हाईएस्ट आपने लिया था 170 सेंटीमीटर और जो स्मॉलेस्ट था वो 150 सेंटीमीटर था, अगेन डिवाइडेड बाय 170 प्लस 150। ठीक है तो ये हमारा आता है 24.79। उसके बाद मैं हाइट का निकालता हूँ, हाइट का 170 150, तो 20/320 इंटू 100 इट इज कमिंग एट 6.25। अच्छा सर इसका न्यूमिरेटर भी है वो भी केजी में है, डिनोमिनेटर भी केजी में है, तो केजी और केजी क्रॉस हो गए, तो ये क्या हो गया? यूनिट फ्री मेजरमेंट सर, इसमें केजी नहीं लिखना है आपको। अच्छा यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्रॉस हो गया तो आपका ये भी यूनिट फ्री आया। अब आप बता सकते हैं कि दोनों में से डिस्पर्शन किसका ज़्यादा है? सर वेट का डिस्पर्शन ज़्यादा है, रीज़न इज सर ये 24 है और ये 6.25। तो सर क्या ये दोनों कंपेरेबल थे? यस, इन दोनों का हम कंपेरिजन कर सकते थे बिकॉज ये दोनों यूनिटलेस मेजरमेंट है, ना ही ये केजी में है और ना ही ये सेंटीमीटर में। तो आपको नीट समझ में आई कोफिशियंट ऑफ रेंज निकालने की? जब आपको दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन के मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंपेयर करने होते हैं तब आपको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करना पड़ता है, इसीलिए तो उसका नाम रिलेटिव है। जब आप एक से दूसरे का रिलेशन चेक कर रहे हैं तब आप नॉर्मल डिस्पर्शन यूज नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन ये होता है कि सर हमने दो तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़े, पहला हमने पढ़ा नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, सेकेंड हमने पढ़ा रिलेटिव। जब आप सिर्फ सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्पर्शन की बात करते हो तो आप एब्सोल्यूट को यूज करोगे, जब आप दो के कंपैरिजन की बात करते हो तब आप रिलेटिव का यूज करोगे। क्लियर है? चलिए इसी के साथ हमारा पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट होता है, लेट्स कम टू सेकेंड वन। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी से बताता हूँ। जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम पढ़ेंगे उनके फॉर्मूले इज वन थिंग, सेकेंड आपको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जाम में एग्जामिनर है वो ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके आ जाएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चेक होती है प्रॉपर्टीज से। अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ में आती हैं तभी आप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है जो सो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है रेंज में, एक ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, दैट इज रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल आपको पता है, अगर कोई एक ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है उसमें आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो वो चेंज ऑफ स्केल कहलाता है, उसमें कुछ प्लस या माइनस करते हो तो चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाता है। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर देखिए, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। ठीक है अरिथमेटिक मीन वाला जो वीडियो है उसको आप रेफर कीजिएगा, सो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। उसी का अब हम डिस्पर्शन में चेक करते हैं कि क्या सर ऑब्जर्वेशन का अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ ओरिजिन से तो क्या डिस्पर्शन भी चेंज होता है? सर मीन का तो हमने देखा था, सेंट्रल टेंडेंसी का हमने देखा था, ओरिजिन हो या स्केल हो दोनों केसेस में हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू चेंज होता है। बट सर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेंज जो है ओरिजिन की वजह से अनअफेक्टेड रहेगा, सिर्फ अफेक्ट करेगा किसकी वजह से? चेंज ऑफ स्केल एंड दैट टू इन द सेम रेशियो। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। सो मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है, अगेन जो मेरा क्लासिक एग्जाम्पल है 10, 12, 14, 16 एंड 18, ठीक है। और अब मैं एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ x2 और ये बनता है मेरा 4+5x से, मतलब आपने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को मॉडिफाई किया। बताइए चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? सर +4। व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल? इंटू +5 इंटू 5 इंटू +5 आपका चेंज ऑफ स्केल हुआ और +4 आपका चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ। ठीक है अब आप इस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं 10, 4 जो 40 ये हो गया आपका 44 सॉरी
54, 10 फाइव जा 50 प्लस 4 54, ये हुआ 12 फाइव जा 60 प्लस 4 64, ये हुआ 14 फाइव जा 70 74, ये हुआ 16 फाइव जा 80 84, एंड ये हुआ 18 फाइव जा 90 एंड 94। तो ये आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन बन गया। अगर मैं आपसे बोलूँ निकालिए रेंज ऑफ x, तो ये तो आप निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 18, स्मॉलेस्ट 10, सो रेंज आया 8। अब मैं आपसे बोलता हूँ निकालिए रेंज ऑफ x2, तो ये कैसे आएगा? सर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 94, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 54, कितना आया रेंज? सर 40। अब बताइए इसमें और इसमें क्या इक्वेशन का रिलेशन है? नो सर। अगर मैं बोलूँ रेंज ऑफ x2 इज ऑल्सो इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू रेंज ऑफ x, क्या ये ट्रू होगा? नो सर, ये फॉल्स होगा। आप लोग चेक करके देख लीजिए, अगर आपने लिखा यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 8, कितना आता है? सर ये हो गया 44 और ये आया 40, मतलब ये गलत है। तो सर अगर मैं इस 4 को हटा दूं, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं लूं और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल कर लूं, तो क्या ये भी 40 हो जाएगा? यस सर। तो क्या उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे? यस सर। इसका मतलब किसका इंपैक्ट आएगा? सिर्फ इसका इंपैक्ट आएगा, चेंज ऑफ स्केल का, चेंज ऑफ ओरिजिन का नहीं आएगा। सर लेकिन चेंज ऑफ स्केल में भी, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमने लिया, इसको अभी हम रब कर देते हैं, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपका अगेन x3, और यहां मैंने लिखा 5 प्लस या 5 माइनस 3x। देखिए आप, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? प्लस 5। चेंज ऑफ स्केल क्या है? नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी देखते हैं, 10 3 जा 30, 5 माइनस 30, इसको आप कर लेते हैं 50 माइनस 3x, ठीक है। अब देखते हैं 50 माइनस 3 इंटू 10, सर 20, 50 माइनस 3 12 जा 36 विच इज 14, 14 3 जा 42, तो यहाँ आया 8, 16 3 जा 48, यहाँ आया 2, 18 3 जा 54, यहाँ आया माइनस 4। तो ये आपका नया ऑब्जर्वेशन बन गया। अच्छा, इस नए ऑब्जर्वेशन विच इज आर एक्स 3, इसका रेंज एक बार देखते हैं क्या आता है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 20, स्मॉलेस्ट क्या है? 4, कितना हुआ? 24 का रेंज है सर। अच्छा 24 का रेंज है। अच्छा, तो अगर हम नॉर्मली देखें कि चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट आना चाहिए, मतलब इससे जो मेरा रेंज आया था आर एक्स वन से, विच वॉज कितना था 8, इसमें माइनस 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आर एक्स 3 का आ जाना चाहिए, 8 में माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तो कितना आता है सर 24 नेगेटिव, लेकिन हमारा तो 24 पॉजिटिव आया। इसका मतलब आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। सर मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल तो देखो लेकिन उसका साइन मत देखो। सो अगर प्लस 5 है तो भी 5 का मल्टीप्लाई, माइनस 3 है तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि सर चेंज ऑफ स्केल का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन या साइन की बात नहीं होगी। सो ये कंक्लूजन हम आता है हमारा कि ओरिजिन का जो चेंज होता है सर, इसका नो इम्पैक्ट, ओरिजिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर चेंज ऑफ स्केल करते हो तो इम्पैक्ट तो है बट इग्नोर साइन, साइन को मत देखो सर, सब कुछ पॉजिटिव ही माना जाएगा, मतलब मॉड्यूलस ले लेते हैं आप, ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए स्टडी मटेरियल में क्या दिया हुआ है, आर वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी आर एक्स, बी मतलब होता है चेंज ऑफ स्केल, ये देखो ए प्लस बी एक्स इक्वेशन बनती है। सो ए इज चेंज ऑफ ओरिजिन, बी इज चेंज ऑफ स्केल, सो ए तो इग्नोर करोगे क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन का तो इफेक्ट है नहीं, बी का इफेक्ट है लेकिन उसका साइन कुछ भी हो मैटर नहीं करता, इसलिए बी का मॉड्यूलस लेना है। गॉट इट? चलिए एग्जाम्पल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता हूँ, दैट इज मीन डेविएशन। चलिए तो हमारा अगला टॉपिक है मीन डेविएशन।
सबसे पहले समझते हैं डेविएशन वर्ड क्या होता है। डेविएशन का मतलब होता है गैप। मैं जब आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन का डेफिनेशन बता रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तब भी मैंने आपको बताया कि मीन से कितना दूर हो, मतलब मीन से कितना डेविएशन आपका है, उस पे ही मैटर करेगा कि डिस्पर्शन कितना ज़्यादा है। तो यहाँ भी आपको डेविएशन ही निकालना है, लेकिन जो भी डेविएशन आएगा हर ऑब्जर्वेशन से उसका एक मीन निकालना है। समझते हैं क्या। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन में, देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंस रेंज इज बेस्ड ओनली ऑन टू ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट रिगार्डेड एज द आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सर आप जो रेंज यूज कर रहे थे, जो कि आपका प्रीवियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन था, उसमें एक ड्रॉबैक था कि वहां सिर्फ आप दो ऑब्जर्वेशन का यूज करते थे, इसलिए उसे आइडियल नहीं माना जाता। फिर इन्होंने बोला कि अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज प्रोवाइडेड बाय द मीन डेविएशन, अनलाइक द रेंज। रेंज की तरह ना होकर ये एक बेटर है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। सो क्या होता है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर समझने में तो बहुत डिफिकल्ट है ये, इंग्लिश पढ़ के तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। चलिए एक बार फिर से हम भी इसको डिकोड करते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन तो समझ में आता है सर, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर सेंट्रल टेंडेंसी तो समझ में आता है, पर अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल में। सो उसने बोला मीन, कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन कहां से, डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, और वो भी कोई अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला सर ऑब्जर्वेशन है हमारा x 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका बताइए अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर अप्रोप्रिएट क्या है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि मीन डेविएशन मीन से निकालिए या फिर मीन डेविएशन मीडियन से निकालिए। अभी मैं मानता हूं कि मेरा अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, अरिथमेटिक मीन, तो इसका एएम बताओ। सर इसका एएम आएगा 6, ठीक है, इसका एएम हो गया आपका 6, इन सब का सम किया 2 4 6 6 12 8 20 and 10 30, और 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज 5, तो कितना आया 6, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। अच्छा अब हम बोल रहे हैं कि डेविएशन निकालिए appropriate measure of central tendency से, deviation मतलब gap, तो 6 से हर एक observation का gap कैसे निकालूंगा, उसको minus करके। अच्छा तो sir 2 में से 6 minus किया तो ये हुआ 4, लेकिन sir ये तो negative 4 आता है, लेकिन एक चीज और बोली थी उसने, absolute deviation, absolute मतलब कि modulus लगा दो, sign को ignore करो, इसलिए 2 minus 6 भी क्या हुआ 4, 4 minus 6 2, 6 minus 6 0, 8 minus 6 सर 2, 10 माइनस 6 4, और इन सब का समेशन करो तो कितना हुआ 4 प्लस 2 6 6 12, तो ये आपका क्या आ गया, सर दिस इज समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x बार विच इज 12। सर पर उसने समेशन तो बोला नहीं था, तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था आप उसका भी मीन निकालो, आप डेविएशन लो सेंट्रल टेंडेंसी से जो कि एब्सोल्यूट हो और उसका मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए मुझे पहले समेशन तो निकालना होगा ना, तो मैंने समेशन निकाला, और मीन निकालने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, एन से, और एन क्या है 1 2 3 4 5, 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ गया 2.4। सो 2.4 यहाँ पे क्या कहलाया सर, दिस इज मीन डेविएशन, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे सर, ये कहाँ से मीन डेविएशन लिया हुआ है, सर ये अरिथमेटिक मीन से लिया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट ए एम इज 2.4। तो सर क्या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकल सकता है, यस yes. अगर इसकी जगह आप मीडियन से निकालें तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकल सकता है। चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने अगर बोला कि ऑब्जर्वेशन है 2 6 9 9 4 5, बताइए इसका
मीडियन कैसे निकालते हैं आप? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सर असेंडिंग ऑर्डर में आपने पहले से ही अरेंज है। अच्छा पहले देखिए इवन है या ऑड है। 2, 3, 4, 5, 6। सर एन तो 6 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। तो सर इवन में कोई मेरे को मिड वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो बीच की जो तो मिड वैल्यू है 9 और 9, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। सो 9 प्लस 9, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? ये भी 9 आ गया, ये हो गया मीडियन। अगर आपको मीडियन नहीं बनता तो आपने सेंट्रल टेंडेंसी का वीडियो नहीं देखा है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको मीडियन बनता है। चलिए तो मीडियन निकला हमारा 9। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अरिथमेटिक मीन से नहीं बट मीडियन से डिफरेंस निकालूंगा और उसका भी एब्सोल्यूट डेविएशन। तो देखते हैं 2 माइनस 9 7, 6 माइनस 9 3, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 9 5, एंड 5 माइनस 9 4। कितना हुआ सम? 10 5 15 एंड 4 19। और आपका मीन डेविएशन अबाउट, क्या अबाउट मीन बोलूं? नहीं, अब इसको बोलूंगा मैं अबाउट मीडियन। क्या होगा? इट इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 6, विच इज 3.16। इसी में अगर आपको मैं बोल दूं कि निकालिए मीन डेविएशन अबाउट एम, तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, मुझे ये जो डेविएशन निकाला था मैंने अभी मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था, इसी को मुझे मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना, मीडियन से निकला था मीन से निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस और इसका समेशन। तो देखते हैं एक्स बार कितना आता है इसमें। पहले समेशन निकालिए 6 to 8, 8, 9, 17, एंड 9, 26, एंड 4, 30, 35। ये आपका आता है 35। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 6, विच इज इक्वल टू 5.83। अब आपको 5.83 से सबका डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है? मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे अभी 6 मान लेता हूँ। 6 से सबका डेविएशन निकालता हूँ। तो देखिए 6 से ये आया 4, ये आया 0, ये आया 3, 3, 2। समझ में आया कैसे आया? 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 9 3, 6 माइनस 9 3 6। सर आप नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं लगा रहे? बताया तो था मॉड्यूलस होता है यहाँ पे मीन डेविएशन में, ठीक है? 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12 एंड 1, 13। तो अब मीन डेविएशन अबाउट क्या होगा? सर मीन डेविएशन अबाउट ए एम ये कितना होगा? 13 डिवाइडेड बाय 6, विच इज अराउंड 2.16। ठीक है, तो इसके साथ हमने समझ लिया मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फिर से पढ़ते हैं एक बार। सो फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर ये अप्रोप्रिएट मेजर क्या हो सकता है? अगर आप मीन बोल दो तो मीन क्वेश्चन, अगर मीडियन बोल दे तो मीडियन। इसलिए इन्होंने देखो फॉर्मूले में क्या लिख दिया है, मीन डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय n। 1 बाय n तो करना पड़ेगा मीन के लिए। समेशन ऑफ x माइनस a, और a का मतलब क्या है? जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो, मीन दिया हो या मीडियन दिया हो, ठीक है? अच्छा ये फॉर्मूला तो था सर नॉर्मली, विच इज फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी की जगह ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता, मतलब वो फ्रीक्वेंसी वाला, अभी जो हमने टेबल लिए वो नॉर्मल है, देखो आप 2, 6, 9, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी नहीं डाली है। इसी की जगह अगर आप फ्रीक्वेंसी डाल दोगे तो x माइनस ए जो डेविएशन निकाला उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो सेम आपका आ जाएगा। और उसमें अगर आपका क्लास इंटरवल आ गए तो x की जगह वैल्यू ना लेके मिड वैल्यू ले लेना, ये तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा है। तो अब हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखेंगे जरूर, लेकिन एग्जाम्पल वापस से नहीं करेंगे, बिकॉज हमने समझ लिया है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है कि हर फॉर्मूले में f मल्टीप्लाई में आ जाता है, और अगर क्लास इंटरवल वाला ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो x की जगह वैल्यू ना लेके उसका क्लास इंटरवल का सेंटर ले लेते हैं, दैट्स इट। बाकी आपका सारा क्वेश्चन एज इट इज ही होने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट केसेस वी टेक ए एज मीन और मीडियन एंड अकॉर्डिंगली वी गेट मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हमने क्वेश्चन के दोनों निकाले राइट, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है? सो ये हो गया रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन अप्लाइंग मीन डेविएशन। ओके, सो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोनों पढ़ लिया। अच्छा अब वापस से सर, जैसे रेंज का हमने कोफिशियंट ऑफ रेंज पढ़ा था वैसे ही मीन डेविएशन का कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर मीन डेविएशन तो केजी और सेंटीमीटर में आएगा, मतलब किसी यूनिट में आएगा,
और हमें अगर दो का कंपैरिजन करना होगा तो सर तब हमें कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन यूज करना पड़ेगा। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट ए अपॉन ए, मतलब अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हो तो उसका कोफिशियंट हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन, और अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इन 200। ठीक है, तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था उसी में हम निकाल के देख लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपका आया 3.16, तो कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन आपका क्या आएगा, 3.16 जो आपका आया वो डिवाइडेड बाय मीडियन आया कितना था सर, 9। तो 3.16 डिवाइडेड बाय 9, तो 3.16 आपका केजी में होगा और 9 भी आपका केजी में होगा, तो कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया 0.35। क्लियर, और इसी की जगह अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो डिवाइड बाय मीन कर दो इन 200, ये 35 इन 200 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। ओके, इस तरह से हम कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ते हैं। अब जो हम थर्ड चीज पढ़ेंगे, मैंने बोला हर मेजर में हमको उसके फॉर्मूले, दो तरह के फॉर्मूले और उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी। तो मीन डेविएशन की क्या प्रॉपर्टी है, सर मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, ऑल्सो मीन डेविएशन रिमेंस अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंजेस इन द सेम रेशियो। अब एक बात आपको बता देता हूँ, जिस तरह सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ लिया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन का भी इम्पैक्ट है, स्केल का भी इम्पैक्ट है, वो सारे सेंट्रल टेंडेंसी में फॉलो होता था, उसी तरह डिस्पर्शन में हमने रेंज में पढ़ लिया ना कि चेंज ऑफ ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं होगा, चेंज ऑफ स्केल का होगा लेकिन साइन को इग्नोर करोगे, वही सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में वो चीज़ लागू होगी, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, देखो बी का मॉड्यूलस, ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो इट्स सेम, जैसा रेंज में ट्रीटमेंट होता है वैसा ही मीन डेविएशन में ट्रीटमेंट होगा, बट पहला वाला प्रॉपर्टी जो है उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर आप वैल्यूज निकालते हैं 4, 5, 6, 8, 9 and 16, तो ये आपका आ जाएगा 48, राइट। 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 16, 48, और 48 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे अगर आप, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करेंगे तो ये आपका, ओके, सो 8 आपका क्या आ गया सर, am, my am is equal to 8। अच्छा, तो मैं एक बार तो am से डेविएशन को लेके देखता हूँ, x माइनस x बार इसका एब्सोल्यूट डेविएशन, 4, 3, 2, 0, 1 and 8, कितना होता है, 4, 3, 7, 2, 9 and 1, 10 and 8, 18, तो मीन डेविएशन निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 18/8 व्हिच इज 2.25। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप मीन डेविएशन मीडियन से लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू आती, अभी मैंने मीन से लिया है ना, एक बार मीडियन से लेके देखता हूँ, तो मीडियन से लूंगा तो इससे भी कम आना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट, एक्स माइनस मीडियन, मीडियन क्या है यहाँ पे देखिए, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बीच की दो वैल्यूज का एवरेज, सर मीडियन मेरा आएगा यहाँ पे 7, 6 और 8 के बीच का एवरेज ये 7, तो 7 से डेविएशन लेते हैं तो आया 3, 2, 1, 1, 2 and 9, टोटल देखिए 3, 2, 5 और 1, 6, 1, 7, 2, 9, 9, 18, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 9, 18, तो उसमें भी सर कितना आया 18/8 इज 2.25। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि मीन और मीडियन दोनों से डेविएशन बराबर आ जाए, हाँ, बट इससे नीचे नहीं हो सकता, मतलब कि जो भी आपने मीन से निकाला है ना वो भी इसके बराबर ही है, इससे नीचे नहीं आएगा, मतलब मीन से ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। सो अगर मैं बोलूं मीन डेविएशन अबाउट मीन, और एक जगह लिखूं मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आप क्या बोल सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन छोटा होता है या बराबर होता है, बट ये बड़ा नहीं हो सकता, दिस इज मिनिमम, इट कैन बी लेसर और इक्वल टू, इस केस में हमारा इक्वल आया है, ये लेस भी आ सकता है, मीडियन के केस में लेस आ सकता है और एएम के केस में
बड़ा भी आ सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ए एम छोटा नहीं होगा और मीडियन बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। इसके साथ हमारा मेन डिवीजन कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जो अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जो कि और इम्पॉर्टेंट है। मेनली आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन, बट जैसे कि हमारा अर्थमेटिक मीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी में, उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, जो हमारा अगला मेजर ऑफ डिस्पर्शन होने वाला है। चलिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ।